आज मैं आ गई हूँ फिर से कुछ नए DIYs के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ। ये जो मोबाइल कवर रखते हैं कबाड़ ही रहता है, बट हम क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता है। तो उसी को मैंने बहुत टाइम से, मैं ये डब्बे को मैं रखी हुई थी, एज ए ऑर्गेनाइजर ही यूज कर रही थी, बट बहुत ही सिंपल सा था, वाइट कलर था तो सटल था, अच्छा लग रहा था। बट इसको मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, कुछ अलग किया जाए, और ज्वेलरीज वगैरह अगर इसमें हम रखेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो बस वही सोचकर मैंने कुछ नया DIY किया है। और भी कुछ कुछ डब्बे होते हैं, जैसे हमें ऑनलाइन हम लोग बुकिंग करते हैं तो ये सब डब्बे जो होते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। आइए जानते हैं उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो मिलते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको मेरे नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के कवर लेंगे, जो कि मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, ऑब्वियसली आपके पास भी जरूर होगी, तो उसको आज हम यूज करते हैं कुछ। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जेसो लगा लिया है, और उसके बाद जेसो लगाने के बाद मुझे बीच में नजर पड़ी कि ये सब स्टिकर्स भी होते हैं, तो उसको मुझे भी निकालना था, तो मैंने उसको निकाल लिया है। तो आप जेसो लगाने के पहले ही आप नोटिस कर लीजिएगा कि कहीं वो स्टिकर्स लगे हुए तो नहीं है, तो वो सारे स्टिकर्स आप निकाल लीजिएगा। और मैं तो शुरुआत कर देती हूँ, फिर बाद में मुझे दिखाई देता है ये भी है ये भी है, तो मैं वैसे ही काम करते रहती हूँ। फिर मैंने पहले बॉक्स में पीछे अंदर में लगे हुए थे कुछ हार्ड शीट इस टाइप के लगे हुए थे, तो मुझे लगा कि पहले निकाल दूं, फिर लगा कि नहीं ये थोड़ा मजबूती दे देगा, तो मैंने उसको मास्किंग टेप के थ्रू मैंने उसको और स्टिक कर दिया। और फिर व्हाइट कलर एक्रेलिक कलर लेंगे, और उसको मैंने फिर से जैसे के ऊपर सूखने के बाद उसके ऊपर मैंने फिर से एक कोट चढ़ा दिया है, और जो भी मुझे डिजाइन चाहिए थे वो डिजाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद फेविकॉल पहले लगा दूंगी और उसके ऊपर क्ले का अपना डिजाइन मैं बनाना शुरू कर दे। इस तरीके से मैं अभी तो आप समझ चुके हो कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो वो मैंने जो भी डिजाइन रैंडमली मुझे समझ में जो जो आ रहे थे मैं रैंडमली मैं वो डिजाइन बनाते जा रही थी। ये मेरी बटरफ्लाई के मैंने एक विंग्स बना दिए हैं, और दूसरा विंग्स मैं कैसे बना रही हूँ वो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले उसको शेप दे देंगे, और थोड़ा सा आराम से मैं उसको दबाते जाऊंगी और एक शेप दे दूंगी। और आप ऐसा नहीं है कि शेपर ही चाहिए होता है इसके लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, या तो अपने पेंट ब्रश जो हमारे पास होती है उसके पीछे वाले हिस्से से भी आप इसको दबाकर बना सकते हैं, या तो फिर पेंसिल से भी कर सकते हैं बैक साइड से। तो मेरे पास ये वाली टूल ऑलरेडी है, तो इसलिए मैंने उसी से कर लिया। तो ये मैं बता रही हूँ कि आपको आप चाहे तो पेंसिल के पीछे या तो ब्रश पेंट ब्रश जो होता है उसके पीछे से भी आप इस तरीके से विंग्स बना सकते हैं, एक शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए मैं बहुत ही आसान है, जो भी ये डिजाइन मैं कर रही हूँ आप आसानी से ये बन जाते हैं लीव्स की तरह। फिर मैंने डिजाइन रैंडमली इधर उधर कर दिया, छोटे बड़े साइज के लीव्स के टाइप के होते हैं। मैंने दोनों तरफ विंग्स नहीं बनाए हैं, थोड़ा अलग लुक देने के लिए मैंने अलग अलग दोनों तरफ से किया है। और सारा क्ले का काम हो जाने के बाद इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए हमें उसको छोड़ देना पड़ेगा, सूखने देना पड़ेगा, तभी हम उसमें कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं ये क्ले आर्ट करने के बाद मैंने इसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो ये सूख जाने के बाद फिर से मैंने उस पर एक पेंट, येलो कलर की पेंट ली, एक्रेलिक पेंट है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ये डिटेल डाल दूंगी उसके, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या यूज किया है। तो ये देखिए येलो कलर मैंने कर दिया है, उसके बाद जितने भी कलर थे मुझे जो जो अच्छा लग रहा था वैसे वैसे कलर मैंने यूज किया। आप जिस कलर की भी चाहें उस कलर की आप बना सकते हैं। तो वेस्ट मटेरियल जो भी हमारे पास बॉक्सेस वगैरह रखे होते हैं, तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो ऐसा नहीं है कि मोबाइल का कवर ही होगा, चाहे तो वो आपके अमेजोन से जो आते हैं, या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं तो बहुत सारे डब्बे हमारे पास हो जाते हैं, तो उस पर भी इस तरीके से हम कुछ क्रिएट करके अपना एक DIY बॉक्स बना सकते हैं, और उसमें हम कुछ भी हम अरेंज करना चाहें तो अरेंज कर सकते हैं।
तो ऐसे ऐसे DIYs के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो इस तरीके से देख रहे हैं, मैंने दो कलर का शेड यूज किया है। पहले येलो सारे में कर दिया था, फिर मैंने लाइट ऑरेंज किया है, और उसके बाद और उससे भी डीप ऑरेंज मैंने किया है। रेड नहीं था वो, बट डीप ऑरेंज था। तो इस तरीके से सेटेड मैंने दोनों तरफ कर दिए हैं। और फिर मेरे पास मल्टी कलर के स्टोन्स हैं, तो वो मैंने सारे विंग्स में अलग अलग जगह पे लगा दिया। तो ये काफी खूबसूरत लग रहा था इसके लगाने के बाद। तो आपके पास भी जो भी होंगे स्टोन्स वगैरह या कुछ भी हो, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, या कुछ और भी क्रिएटिव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर मैंने मोती चेन लिया है, जिसके दो बटरफ्लाई के जो ऊपर वाले एंटीना होते हैं ना, मैं तो उसको एंटीना ही बोलती हूँ। तो उस एंटीना को बनाने के लिए पहले इस तरीके से ऊपर फोल्ड कर लेंगे, और फिर इस तरीके से हम लगा देंगे। और फिर बीच में मैंने थोड़ा और खूबसूरत लगने के लिए मैंने हाफ पर्ल लिया, और एंटीना के बीच में एक एक हाफ पर्ल भी डाल दिया उसमें। ये देखिए, इस तरीके से हम डाल देंगे। और सारा पेंट होने के बाद, इवन स्टोन लगाने के पहले और पेंट होने के बाद, वार्निश का एक कोट लगाना बहुत जरूरी होता है। तो उसके वीडियोज एक्चुअली मैं ले नहीं पाई, सॉरी फॉर दैट। तो वो एक पेंट करने के बाद वो एक बार वार्निश का एक बार कोट लगा दीजिएगा, तो वो एक शाइन आ जाती है, तो इसके लिए वो बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिए मेरा फाइनल रिजल्ट। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्विट की बॉक्स लेंगे। मैंने तो स्विट की बॉक्स ली है, आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। तो ये दोनों साइड को मैंने कट कर लिया है, दोनों साइड में जो थे। तो उसको कट कर लेने के बाद ये देखिए इस तरीके से खुले, फ्लिप की तरह खुलना चाहिए, फ्लिप फ्लॉप होता है ना, तो उस तरीके से हमें बनाना है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले मास्किंग टेप मैंने लगा लिया है साइड में, एक साइड में मैंने लगाया है, ताकि वहां से मैं उसको स्टिक कर पाऊं। तो पहले मास्किंग टेप मैंने जानबूझ के लगा लिया था, क्योंकि फेविकोल जब भी मैं यूज करूंगी तो वो निकल ना जाए, तो आराम से वो चिपक जाएंगे, इसके लिए मैंने पहले ही मास्किंग टेप लगा लिया है। अब देखिए मैं फेविकॉल की हेल्प से इसको स्टिक कर लूंगी। फेविकॉल से ये स्टिक हो जाने के बाद, हम इसके ऊपर स्टिक करने के लिए हम कुछ टिश्यू पेपर लेंगे, जो कि मेरे पास बेकार ही वो यूज्ड वाले टिश्यू पेपर थे, वो ही मैंने लिया था, कोई नया नहीं लिया था। तो उसको स्टिक करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ पानी लिया था और फेविकॉल दोनों को मिक्स कर दिया था, तो थोड़ा पानी ज्यादा ही हो गया था। फिर मैंने फेविकॉल और बाद में ले लिया था, तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैंने डब्बे के ऊपर पूरा पानी और फेविकॉल वाला जो मिक्सचर था ना, उसको मैंने फैला लिया। इस तरीके से ही हम चारों तरफ से मैंने लगा दिया। अब फिर टिश्यू पेपर के को इसके ऊपर डाल के हम इसको डाल देंगे, तो ये आराम से वो गीला हो जाता है। और गीला हो जाने के बाद उसको आराम से, उसको वहां से टियर करना आसान हो जाता है। सभी को अच्छे से भिगा लेंगे, ताकि उसको हम वहां से निकाल सके। तो वो धीरे धीरे खींचेंगे ना, तो गीला होने की वजह से ना वो आराम से वो वहां से फट जाता है। तो मैंने सोचा कि एक लेयर से तो कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर मैंने एक और लेयर उसके ऊपर डाल दिया, ताकि सूखने के बाद ये जो पूरा दिख रहा है ना लड्डू, तो वो कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके लिए मैंने दो लेयर मैंने किया था। कुछ देर सूखने के बाद ये इस तरीके से हो गई है, और कुछ एक्स्ट्रा जो भी थे टिश्यू पेपर निकले हुए थे, वो सारा मैंने कट कर लिया था। और अभी भी ये जो आपको दिख रहे हैं थोड़े बहुत, मगर ये पेंट करने से ना बिल्कुल ही कवर अप हो जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियोस में, क्योंकि आगे बहुत ही खूबसूरत सा ये DIY बन के निकलने वाला है। और इसमें मैंने अपने ज्वेलरी रखे हैं, तो ज्वेलरी सोचकर ही मैंने बनाया ही था, इसलिए कलर भी वैसा ही चुना है एथनिक टाइप के, क्योंकि सारे मेरे ज्वेलरी इसी में रखने वाली हूँ मैं, जो थोड़े एथनिक टाइप के होंगे, ताकि मुझे याद भी रहे कि हाँ मैंने एथनिक वाले इसी में रखे हैं। तो अब इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा ड्रॉ कर लिया है, रफली ड्रॉ किया है, क्योंकि मुझे रैंडम डिजाइन जो समझ में आ रहा था मैंने वही किया है। तो पहले उसके लिए मैंने मिरर्स ले लिए हैं, और मिरर्स मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं मिरर्स बहुत यूज करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं मिरर्स ही इसमें भी यूज करूंगी। तो जो डिजाइन आप करना चाहें आप कर सकते हैं इस तरीके से। आप किसी भी डब्बे को इस तरीके से बना सकते हैं, और अपना स्टोरेज बॉक्स या ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं।
तो ये देखिए डिजाइन बनके हो गई है रेडी। यही सेम डिजाइन अब चारों कॉर्नर में लगाएंगे और मैंने जहां से बॉक्स ओपन हो रहा है ना वहां पर भी मैंने लगा दिया था। तो ये हो चुकी है रेडी मेरी डीआईवाई दोनों ऑर्गेनाइजर जो मैंने बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जुगाड़ के साथ, कुछ नए डीआईवाई के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।